जिंदगी बदलने के लिए तो शादी करता है इंसान। एक्चुअली मेरी बहन इसमें वो है, कहती मैं नहीं बच्चा अभी नहीं करना, इसलिए ताकि मैंने सब देख लिया है तुम लोगों के साथ। बिकॉज अमल इज वेरी अटैच्ड टू हर, तो उसको लगता है कि इट्स लाइक इंस्टाग्राम का क्लिप आ गया। क्या हेलो भाई, क्लिप आ गया इंस्टाग्राम का? नहीं नहीं नहीं, कोई लाइफ चेंज हुई? Definitely, पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया। शादी होते ही बेबी हो गया, शादी भी नहीं एंजॉय की, फिर बच्चा हो गया। So, you know, but for the better. Yeah, for the better. अमल के साथ ये शिकायत है या बदब? नहीं नहीं, I'm very thankful. Blessed है। अच्छा, इधर opposite है, हाँ? इधर opposite है। इस केस में एक्चुअली हम मेरी पुरानी शादी है ना, इसलिए थोड़ा सा पुरानी शादी नहीं होती, चार साल चार दिन है। मुझसे पूछे आप, ये उल्टे जवाब है। ये मियां क्या बोलेगा, मैं बोलूंगी। अगर शादी गाड़ी की तरह होती है, ड्राइवर अच्छे हो तो गाड़ी हमेशा नई रहती है। लिखो भाई ये बात। आप दोनों में से घर को साफ कौन रखता है? मैं बिल्कुल नहीं रखता। अच्छा। मैंने तो इस चीज पे बहुत वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई। मुनीम को अंदर से आवाज आती है, मुनीम डोंट डू दिस, ओके मैन। कितना मुझे इंपॉर्टेंट जो है वो गन पसंद है। गन पसंद है मतलब ये कि थोड़ा गंदा रूम मुझे जरा पसंद है। टाइम तक हमें बड़ा इशू हुआ था इस बात में, शादी के बाद मुझे नहीं पता था कि इसको इतना गन पसंद है। थोड़ा सा यू वर ओके विद, तो ओके हो जाता है। जब हम कभी ट्रैवल करते हैं, अभी भी हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो मेरा अगर बैग प्रॉपर सेट हुआ हुआ तो मुझे कपड़े नहीं मिलते। अगर मेरा बैग यूं ही हुआ हुआ तो मुझे फौरन मिल जाता, ये टी-शर्ट चाहिए थी। लेकिन आप दोनों में से ज्यादा सोशल कौन है? सोशल नहीं, मुझे तो दोनों ही लगते हैं। दोनों ही बहुत सोशल हब हैं हम, और सोशल मीडिया पे एक्टिव भी आप दोनों ही। अभी आप बना रहे थे, जस्ट बिफोर हम रोल कर रहे थे, आपने हाँ, मेरा एक यूट्यूब चैनल है। अच्छा, आप यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल भी है जिसपे मैं अपडेट्स। बट दैट इज अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ना। मेरी बहन भी यूट्यूब चैनल चलाती है, वो इट इज मतलब हाँ, बिफोर शी स्टार्टेड मुझे अंदाजा नहीं था कि हाउ मच यू नो एफर्ट गोज इन इट। क्योंकि आपको सो मेनी टाइम्स हम लोग कुछ करते होते हैं, सडनली शी बोले मुझे याद दिलाना कि मुझे लेना है, हाँ शॉर्ट लेना है, मुझे याद दिलाना। वो शाम खत्म हो जाती है 3 घंटे से, आई डिडंट गेट एनी कॉन्टेंट टूडे। तो इट इज एन एफर्ट है ना। मेरा बहुत आसानी से बनता है कंटेंट, क्योंकि मेरे कंटेंट में कोई भी चीज मेड अप नहीं होती। और बाकी अगर आप जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी के बेल। सो सटल, सो सटल। अभी कर लेते हैं, अभी इन्होंने कि आप लोग फॉलो करें प्लीज। आप दोनों में से इन लॉस के साथ ज्यादा कौन घुलता मिलता है? दोनों ही मिलते घुलते मिलते जाते। हम बहुत इजी हैं, हम हर किसी के साथ घुल मिल जाते हैं। हम गो विद द फ्लो, पानी की तरह। मेरे इन-लॉज में हम मिल जाते हैं, हमारे मेरी मम्मा की तरफ दोनों मिलके मिल जाते हैं, फाइन। बॉल। ये तो बहुत बहुत ही बहुत बहुत सोशल कपल है मेरे मामा। इस काउच पे इतना सोशल कपल नहीं आया अभी तक। अभी आपको हमें दावत पे बैठे, आपको लगेगा हम आपके साथ ही हैं। आप दावत पे नहीं आए, आप हम आपके पास। तो कैसा लग रहा है आपको हमारे शो में? हमें बहुत थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस टू योर शो। इनको मेरा हाल थोड़ा सा ना तंग करना पड़ेगा, थोड़ी सी कुछ गुगलियां फेंकनी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत सीधे सीधे सवाल कर रहे हैं। इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला सेगमेंट। इसके साथ हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फंताक्षरी। बिल्कुल सही, यू गॉट अनदर 10 runs। अच्छा, ये है लास्ट क्लू। उससे पहले मैं एक चीज बता दूं, अगर आप ये सही गेस कर लेंगे मैं जीत जाऊंगी। हाँ, ओके। ये क्या बात है? आप देख रहे हैं द मिर्जा मलिक शो पावर्ड बाय स्पॉटिफाई, जिसमें अब वक्त हुआ है फंताक्षरी का। और ये कैसे खेलेंगे सानिया आपको एक्सप्लेन करेंगे। फंताक्षरी बहुत इजी है, हम आपको क्यूज देंगे, बस आपको गाने गेस करने हैं, आपको बजर दबाना है। सही जवाब पे मिलेंगे 10 run और गलत जवाब पे मिलेंगे -5। ओके, जो पहले टैप करेगा वही आंसर देगा, ठीक है? टैप, रेडी, गो। फर्स्ट क्वेश्चन, 3 words। दिल बेचारा है। बड़े हार्ट लव। हाय दिल बेचारा। That's so wrong. तुम्हारा तेरे पीछे हारा हारा। हाय दिल। Correct answer. Correct answer. Thank you.
10 runs goes to you, Muneeb. Okay, ध्यान से सुने. जुनून यार नहीं लगता दिल. यार बिना दिल मेरा नहीं लगता. यार बिना दिल बगैर गए. एक तो गाना बेसुरा गा रहा हूँ, पर से ढोल और भी बेसुरा बजा रहा. ढोल के साथ अच्छा था. नहीं लगता, नहीं लगता यार बिना दिल मेरा नहीं लगता. बस चले. नेक्स्ट क्लू, आर यू रेडी? आई एम वेरी एंग्री, मोर देन रेडी, आई एम एंग्री. चले. नेक्स्ट क्लू, स्ट्रिंग्स का एक गाना जिसकी ट्रांसलेशन है दिस इज माय स्टोरी. ये है मेरी के जमाने के गाने हैं, मेरे बचपन के, मुझे याद नहीं है. आज लाएंगे ये अलग गाना. ये पांच ने माइनस फाइव आपको मिलेगा, क्योंकि आपने गाना गलत गाया है. आप जल्दी जल्दी के चक्कर में आप पटरी से उतर गए. ये गाना था ये है मेरी कहानी. ओके, कोई बात नहीं. और ये बहुत सारी फिल्मों में जीतने वाले को पासी करके. नेक्स्ट क्लू है, बहुत ध्यान से सुने. हदीका कियानी का वो गाना जिसमें वो पूछ रही हैं हमारे शौक की लिमिट क्या है. शौक इंतहा, शौक. हाँ, मुझे तो नहीं पता. मुझे उसका मेलोडी नहीं याद है. आप बट आपने टैप नहीं किया. इंतहाए शौक से आगे लिरिक्स नहीं यार. आप कोई मेरी भी लेकिन गाना मैंने पहचान लिया. मेरे जमाने के गाने भी प्लीज लिखवाएं. ये गाने है बहुत फेमस सॉन्ग था इंतहाए शौक के, मुझे याद आ गया. बिल्कुल सही. यू गॉट अनदर 10 रन्स. अच्छा ये है लास्ट क्लू. ऐसे तो मैं पीएसएल उससे पहले मैं एक चीज बता दूं. अगर आप ये सही गेस कर लेंगे मैं जीत जाऊंगी. हाँ okay. ये क्या बात है. माइनस फाइव भी आए थे ना. आप पीछे कैलकुलेटर भी चलाएं अपना. जी तो आप रहे हैं, हार भी रहे हैं. अच्छा सुने, नुसरत फतेह अली खान का फेमस सॉन्ग जिसमें सांसों की माला. अच्छा, आगे. से मिलूं मैं पी खाना. आगे. मेरे नहीं आता, नहीं आता.